प्रधानमंत्री मोदी मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात अनेशतम पूर्ति उपलक्षे बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा मन की बात राष्ट्रीय संयोजक बैजत पंडा बारिपदा गस्त कर तकतपुर स्थित जिला बीजेपी मुख्य कार्यालय आयोजित एक कार्यक्रम जोगदे अवसर में मयूरभंज जिलार सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय राष्ट्रहित एवं सेवा कार्य लगी व्यक्तिशेष को संबर्धना दि जा एथिरे राज्य कार्यकारिणी सदस्य कृष्णचंद्र महापात्र जिला सभापति कांद्रा सोरेन पूर्वतन सांसद लक्ष्मण टुडु और पूर्वतन विधायक प्रवीण भंदेव समेत बहु वरिष्ठ नेता एवं कर्मकर्ता माने उपस्थित रही थिले। देखो प्रधानमंत्री यही मन की बात कार्यक्रम ऐतिहासिक शहे चालीस कोटी लोक पहुँचवा प्रति मास रेडियो माध्यम रे, टीवी माध्यम रे, इंटरनेट माध्यम रे इतिहास रे केबे हेई नाही एवं प्रति मास से जो उदाहरण गुड़िक सामना को आणती विभिन्न प्रदेश रु समाज रो विभिन्न वर्ग रु आज ओडिशा रो जने महिला ज्योतिर्मय महांतिंकर जो साइंटिफिक अवार्ड मिली विभिन्न प्रदेश रु जो उदाहरण गुड़िक सामना को आनी बहुत स्वागत योग्य बहुत आमर लोक उत्साहित करे एवं या देखी देखी प्रोत्साहित हो कि सबुआड़े आमर नागरिक मैंने भाया उद्यम आरंभ करती निज प्रगति समाज सहर कि गाँवर प्रदेश देशर यह बहुत स्वागत योग्य कम यहाँ कौन सी राजनैतिक कार्य नुह किंतु आम भारतीय जनता पार्टी समस्त कार्यकर्ता भाई भोनी माने एठी मयूरभंजर मिसिकी एठी बारिपदार 79 नंबर बूथ रे एकाठी है कि सब सुनिलु बहुत बहुत बढ़िया हला कार्यक्रम आज प्रधानमंत्री जो बहुत गुड़ाए भारतीय नारी मान महिला मान सफलता विषय उदाहरण दौले भितर ओडिशार जे वैज्ञानिक विषय जो ज्योतिर्मय महांती उदाहरण दे अवार्ड पाई बहुत गर्वर कथा आम आशा करुच्छू उदाहरण को देखिकी आउरी झील मैंने जो मैंने पढ़ुंट स्कूल रे कॉलेज रे वैज्ञानिक हाँपाई स्वप्न रखिए विभिन्न क्षेत्र में केवल वैज्ञानिक ना आप देखुं आर्मी एयरफोर्स व्यवसाय रे सोशल एक्टिविज्म रे महिला माने बहुत आगे जाऊँगी उदाहरण देखु यह आगु कार्यक्रम जो देखा 100 वर्ष तले अमेरिकार सेतबर राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट होता से 30-32 एपिसोड करते आम प्रधानमंत्री यहाँ 99 है आसंता मास 100 एपिसोड हवा को जाउची विराट आकरे आमे पार्टी तरफ रु भारतीय जनता पार्टी रु मिसिकी उद्यम करचू देश सारा सब आड़े कारण एटा लोकों को पाखरे एही संदेश पहुंचिबा उचित मयूरभंज जिला बारिपदारू दीपक कुमार पाणिग्राही रिपोर्ट कोणार्क लाइव।